Hi guys, welcome back to my channel. I'm Naina, and if you're watching me for the first time, then you guys know what to do. Just subscribe to the channel and become a part of this beautiful family. And also today's video is about this makeup look that you can carry in New Year parties. Let's just start the video. सबसे पहले आई विल बी मॉइस्चराइजिंग माई फेस. सो हियर आई एम यूजिंग दिस एलोवेरा जेल फ्रॉम द फेस शॉप. एंड प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ अ कोरियन कंपनी एंड नॉट अ चाइनीज़ कंपनी. एंड मैंने प्रोडक्ट को अच्छे से अपने हाथों में रब किया है सो दैट वो एक्टिवेट हो जाए. एंड प्रोडक्ट एप्लीकेशन इससे काफ़ी ज़्यादा स्मूद हो जाता है. जस्ट ट्राई इट आउट वंस. यू कैन प्रिवेंट एनी मेकअप स्पिलेज ऑन योर क्लोथ्स बाई कवरिंग इट टिश्यू और दिस क्लीन टॉल. नेक्स्ट वी आर यूजिंग दिस नाइकास प्रेप मी अप प्राइमर. नाउ दिस इज अ कम्प्लीट सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर. सो ये पोर्स एंड स्किन के बम्प्स को बहुत अच्छे से फिल कर देता है एंड आपको एक स्मूथ सरफेस मिलता है फॉर फाउंडेशन एप्लीकेशन. प्राइमर शुड बी अप्लाइड ऑन द एरियाज वेयर एवर इट इज नेसेसरी एंड नॉट ऑन द एंटायर फेस. इसे मॉइस्चराइजर की तरह अप्लाई नहीं करना है, बस स्किन के अंदर पैट करना है, मूव नहीं करना है. नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस ऑरेंज कलर करेक्टर फ्रॉम NY बे. आप चाहें तो डायरेक्टली फाउंडेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट एज यू कैन सी मेरे आई एरिया एंड माउथ एरिया पे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन है. सो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस ऑरेंज कलर करेक्टर. फॉर ब्लेंडिंग द प्रोडक्ट यू कैन आइदर यूज अ ब्रश और अ ब्यूटी ब्लेंडर. नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम रियल टेक्निक्स. नाउ रिमेंबर कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा डैम्प होना चाहिए, ना ज़्यादा वेट होना चाहिए, ना ही बिल्कुल ड्राई होना चाहिए. यू नीड a damp beauty blender to blend your product nicely. Now, as you can see, I am not dragging the product with the sponge but patting it on my face. So remember, आपको स्पंज के साथ हमेशा प्रोडक्ट को पैट करना है, ना कि ड्रैग करना है. Now that we have worked on our pigmented areas, we will move on to foundation. And for foundation, I am using this Lakme 9-5 Primer Plus Matte Foundation in the shade N200. Now this foundation comes with this very handy spatula, जिससे कि product application बहुत ही ज़्यादा easy हो जाती है. Now I am the only one using this foundation, so मैं इसे बार बार dip करके use कर रही हूँ. अगर आपके अलावा कोई और इस foundation को use करता है तो please आप spatula का use मत कीजिए, बल्कि आप हाथ पे फाउंडेशन को लेकर फिर उसे अपने फेस पे अप्लाई कीजिए. इससे प्रोडक्ट की हाइजीन मेंटेन रहेगी. एंड अगेन रिमेंबर टू डैब इन द प्रोडक्ट विद दिस ब्यूटी ब्लेंडर एंड ऑल्सो रिमेंबर टू कवर योर नेक एरिया. अगर आप उसे कवर नहीं करोगे तो आपको एक अनइवन स्किन टोन दिखेगा. सो नेवर फॉरगेट टू कवर योर नेक एरिया अलॉन्ग योर फेस. Now after foundation we move on to concealer and here I'm using this Maybelline's Instant Age Rewind Concealer in the shade 15. It's a very beautiful concealer and काफ़ी ज़्यादा smooth है and you know it covers your dark circles and any pigmentation on your face very nicely. I highly recommend this concealer. मैंने अपने जॉ लाइन पे कंसीलर इसीलिए लगाया है बिकॉज आई हैव वेरी फुल फेस एंड मेरा फेस बिल्कुल चिजल्ड नहीं है. एंड यू नो उसको थोड़ा सा बोनी स्ट्रक्चर देने के लिए विल यूज़ दिस कंसीलर अराउंड आवर जॉ लाइन. एंड आप थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे एट द एंड ऑफ द मेकअप. एंड या विल नाउ स्टार्ट ब्लेंडिंग आउट आवर कंसीलर. एंड यू नो वॉट टू डू, जस्ट डैब इन द प्रोडक्ट एंड नेवर ड्रैग योर प्रोडक्ट बिकॉज वो नीचे के लेयर्स को डिस्प्लेस कर सकता है. Now I totally forgot to do this step before, मगर lip balm हमेशा सबसे पहला step होना चाहिए because आपके lips को moisturize रखना बहुत ज़रूरी है because you know matte lipsticks बहुत ज़्यादा dry out करते हैं lips को. Next I'll be using this Lakme Rose Powder to set my concealer. अब concealer set करना बहुत ज़रूरी है because अगर आप नहीं करोगे तो वो आपकी fine lines में crease करना शुरू हो जाएगा और आपको lines दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि concealer cream product है और cream product को powder product से set करना बहुत important है. जिन लोगों की ड्राई स्किन है दे माइट फील दिस स्टेप अ बिट टू ओवर बिकॉज उससे क्या होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी एंड ड्राई दिखनी शुरू हो जाती है. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन आइदर यूज़ अ कॉम्पैक्ट और आप क्या कर सकते हो ब्रश से इस लूज पाउडर को हल्के हाथों से जस्ट डस्ट ऑफ कर दो अपने पूरे फेस पे ताकि कंसीलर जो है अपनी जगह पर सेट हो सके. अब जब तक ये पाउडर मेरे कंसीलर को अच्छे से सेट करेगा विल स्टार्ट विद आवर ब्राउज. आई एम यूजिंग दिस स्पूली ब्रश टू कॉम माय ब्राउज प्रॉपरली. एंड नाउ आई विल बी यूजिंग दिस आईब्राउ पेंसिल फ्रॉम मिस क्लेयर. इट्स इन द शेड कॉफ़ी ब्राउन. ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड पेंसिल है सो आपको इसके साथ ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बहुत हल्के हाथों से यू नीड टू ड्रॉ द लाइन्स एंड फिल इन द ब्राउज. एंड आपको आगे की तरफ जो आपका स्टार्टिंग है ब्राउ का वहाँ पर बहुत लाइट हैंडेड से एक ओम्ब्रे इफेक्ट देना होता है.
होता है. डोंट पुट प्रेशर ऑन द स्टार्टिंग ऑफ योर ब्राउज, दैट्स व्हाट आई रेकमेंड. आई विल बी यूजिंग दिस स्विस ब्यूटीज 9 कलर आई शेडो पैलेट, एंड इसका जो भी डिटेल एंड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब एक लाइट कलर से मैं पूरा अपने क्रीज को एक बेस दूंगी अच्छे से. एंड प्लीज़ रिमेंबर, आई शेडोज के साथ आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, एंड उसको ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे देखने में आपको फिर भी बहुत क्विक लगेगा प्रोसेस, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस. नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग अ लिटिल बिट डार्क कलर देन माई बेस, एंड उससे अपना क्रीज कलर को मैं सेट करूँगी. एंड अगेन आई विल बी यूजिंग दिस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशंस टू यू नो गिव दैट इफेक्ट ऑन माई क्रीज, ताकि मेरी क्रीज दिखनी शुरू हो जाए. नाउ आई विल बी टेकिंग दिस पाउडर ब्रश टू डस्ट ऑफ द एक्सेस पाउडर एज माई आई शेडो वर्क इज डन. और मैंने ये पाउडर अब पहले नहीं निकाला क्योंकि मैं आई शेडो के साथ काम कर रही थी, सो देर कैन बी सम फॉल आउट्स फ्रॉम द पिगमेंट, तो वो भी अच्छे से अभी इस पाउडर को डस्ट ऑफ करने के साथ ही निकल जाएगा. और अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे काम करूंगी, सो थोड़ा सा वहां पे भी कलर इफेक्ट देने के लिए आई विल बी यूजिंग दैट सेम कलर ऑन माय लोअर लैश लाइन. नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस लिक्विड आईलाइनर फ्रॉम मेबेलिन. और मैं आईलाइनर के साथ ज्यादा ड्रामेटिक नहीं जाऊंगी बिकॉज आई वांट कि मेरा आई शेडो विजिबल हो. एंड आई विल बी जस्ट ड्रॉइंग द अपर लैश लाइन, दैट्स इट. एंड लोअर लैश लाइन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे बिकॉज आई वॉन्ट माई आईज टू लुक बिगर. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू मस्कारा, एंड आई एम यूजिंग दिस लॉरियल्स लैश पैराडाइज. एंड इसे जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम स्पूली को ऐसे स्वर्ल करते हुए निकालेंगे सो दैट प्रोडक्ट अच्छे से अप्लाई हो जाए स्पूली पे, एंड देन विल अप्लाई द कोट ऑफ मस्कारा ऑन आर लैशेस. हमेशा एक कोट के बाद यू शुड वेट फॉर दैट टू ड्राई एंड देन अप्लाई द सेकेंड कोट ऑफ द लैश. एंड मेरे लैशेस काफ़ी थिक हैं, सो आई डोंट नीड अ सेकेंड कोट ऑफ एप्लीकेशन, एंड आई लीव इट लाइक दैट ओनली. एंड आई थिंक आपको दिख रहा होगा मेरे लैशेस कैसे पॉप आउट हो रहे हैं. एंड इसी के साथ वी आर डन विद द आईज, एंड नाउ विल मूव ऑन टू कॉन्टोरिंग. नाउ यू कैन सी आई हैव नेचुरल कॉन्टोर लाइन्स, एंड उसी पे आई जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ दिस कॉन्टोर पाउडर, एंड ऑल्सो थोड़ा सा नोज पे थोड़ा एक चिजल्ड लुक देने के लिए. एंड इसे ब्रश के साथ अच्छे से स्मच कर दीजिए. आई विल बी यूजिंग दिस लैक्मे शिमर ब्रिक फॉर ब्लश एंड हाईलाइटिंग पर्पस. इट्स इन द शेड कोरल. आई एम नॉट अप्लाइंग ब्लश ऑन द एपल ऑफ माई चीक्स, बट थोड़ा सा पीछे अप्लाई कर रही हूँ, वो इसलिए बिकॉज आई हैव फुलर चीक्स. नाउ कम्स द हाईलाइटिंग पार्ट. आई विल highlighting my cheekbones, my bridge of the nose and my nose tip and thoda sa on the chin area, that's it. And all this is because I want जब भी light मेरे face पे गिरे तो इन areas पे थोड़ा सा highlighting effect आए. I am removing the excess lip balm from my lips, and also we don't need this towel anymore. So let's move on to the lips. First I'll be starting off by lining my lips, and उसके लिए I am using this very nude shade. I really like nude colors, so आज भी मैं थोड़ा सा nude to reds की तरफ ही जाऊँगी. And I am lining my lips, and you can see I don't have very good shape of the lip. So, मैं अपने अपर लिप पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करती हूँ. नेक्स्ट विल मूव ऑन विद फिलिंग द लिप्स. दिस इज मिस क्लेयर्स लिक्विड लिपस्टिक. इट्स इन द शेड 31. इट्स वेरी नाइस पिंकी न्यूड कलर, एंड इट गोज वेल विद दिस outfit as well. The last step is fixing your makeup. This is Maybelline's makeup fixer, and that's it. Add a little piece of dainty jewelry and you're good to go. As this is an evening makeup party look, so you will never go wrong with the gloss on your lips. So that's what I have done, and I really like the look like this. So that was it from my side, guys. I'll see you super soon in my next video. Till then, take care. Bye.